नमस्कार, मैं अभिलाषा स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ आलू गोभी मटर की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, जो शादी पार्टियों में बनते हैं हलवाई स्टाइल। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, घर पे आप बना सकते हैं हलवाई स्टाइल, बिल्कुल नहीं लगेगा कि घर का है, लगेगा कि आप शादी पार्टी वाले खा रहे हैं। इस तरह से कुछ ट्रिक के साथ मैंने ये बताया है, तो मेरा पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। चलिए मेरे साथ आलू गोभी मटर का हलवाई स्टाइल सब्जी बनाने, मैं बहुत अच्छे से कुछ ट्रिक के साथ बताई हूँ, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे बनता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ कि शादी पार्टी वाले आलू गोभी मटर की सब्जी कैसे बनते हैं फटाफट घर पर, लगेगा कि बिल्कुल हलवाई बनाया है इस तरह से। तो चलिए मेरे साथ मैं बताती हूँ आपको हलवाई भैया जैसे स्वादिष्ट आलू गोभी मटर की सब्जी कैसे बनते हैं मेरे साथ, चलिए अभिलाषा किचन। तो आज मैं शादी पार्टी वाली आलू गोभी मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने एक गोभी ले लिया है, अच्छे से गर्म पानी से धो दिया है और धोकर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, कुछ हलवाई बनाते हैं इस तरह से, मैं इसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम आलू ले लिया है छोटे वाले, उसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है दो टुकड़ों में। और यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिया है, इसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने देखा 3 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ के, 3 हरी मिर्च, कुछ अदरक के टुकड़े। गोभी को मैं चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल लाल अच्छे से पक जाए। देखा कितना अच्छे से लाल हो रहा है मेरा गोभी। गैस को लो तो मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा फ्राई हो चुका है गोभी। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने गोभी निकाल लिया है और सेम कढ़ाई में मैंने आलू डाल दिया है। ऑयल मेरा बचा हुआ था, ठीक है, तो इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी आलू को, लो तो मीडियम फ्लेम गैस रख के। इसे भी जब तक पक नहीं जाता तब तक मैं इसे पकाऊँगी, चलाते हुए बीच से इसको ढक के पकाऊँगी। तो जब तक मैं आलू पक रहा है तब तक मैं ये टमाटर मिर्च और अदरक को का पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सी जार में। देखिए कितने अच्छे से मेरा आलू पक गया है, लाल हो गया है, देख रहे हैं। चलाते हुए मैंने 4 से 5 मिनट फ्राई किया लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी एक बर्तन में, क्योंकि ये पक चुका है। ये मैं इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए आलू को भी मैंने निकाल लिया। अब सेम बर्तन में तेल मेरा है बचा हुआ, अगर आपको कम लगे तो डाल लें। मैं इसी में कुछ खड़े मसाले लिए हैं, यहाँ पर जीरा है 1/2 चम्मच, गोल मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जावित्री है, छोटी लौंग है, 2 तेज़पत्ता है, 2 हरी मिर्च है, ये पुदीने हैं, इसे मैंने गार्निश के लिए लिया है, इसे मैं तो बाद में यूज़ करूँगी, इसे हटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने करी पत्ता लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी का, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो मैं सारे फ़ौरन को ऐड कर दूँगी कढ़ाई में, इन सभी को मैं डाल देती हूँ। चला कर मैं पका लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी करी पत्ता जो मैंने लिया था, और साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी जो मैंने बारीक चॉप करके रखा था। इन सबको अच्छे से मिला दूँगी। मिला के मैं प्याज को तब तक भूनूँगी जब तक प्याज मेरा अच्छे से लाल नहीं हो जाता। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच छोटे चम्मच से नमक, ताकि प्याज अच्छे से गल जाए जल्दी और लाल हो जाए। करी पत्ता मैं इसलिए डालती हूँ कि इसे बहुत ही फायदे होते हैं करी पत्ता के, इसलिए मैं लगभग खाने में इसका उपयोग करती हूँ। तो देखिए प्याज मेरा 80% पक चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन 1 छोटा चम्मच, लहसुन का पेस्ट चाहिए, जैसे से मिला देंगी इसे तब तक भूनूंगी जब तक लहसुन तो कच्चापन दूर नहीं हो जाता।
लहसुन भूनते हुए भी 2 मिनट हो गए हैं, तो पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सीक्रेट 1 बड़ा टिप से बेसन 1 चम्मच। इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। जैसे अच्छे मैं मिला दूँगी, मिला कर थोड़ी देर से भूनूंगी प्याज के साथ, लहसुन अच्छे से भून जाए। देखिए बेसन पकते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ मसाले दिखा देती हूँ सूखे, जो मैंने ले रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले रखा है धनिया पाउडर 1 भर के चम्मच, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल है ये गरम मसाला है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये देगी मिर्च है, इससे कलर अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है। मेरा बेसन भून चुका है, तो इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सारे सूखे मसाले और डालकर अच्छे से मैं मिला दूंगी इसे। तो मसाले मैंने मिला दिया है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी पानी, ताकि मेरे मसाले जले नहीं और तो अच्छे से भून जाए। तो मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से मेरे मसाले भून जाए। देखिए कितने अच्छे से थोड़ा मसाला भून रहा है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच किचन किंग मसाला, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में, अभी पट्टी वाले सब्जी में, फिर भी अच्छे से मिला दूँगी। देखिए 2-3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने टमाटर की ट्योरी बनाकर रखी थी, उसे मिला दूँगी। मिलाकर इन दोनों को मैं तब तक भूनूंगी तब तक जब तक ये तेल सेपरेट नहीं हो जाए। देखिए ढककर मैं मसाले को भून रही हूँ, उसे 3 मिनट हो चुका है भूनते हुए, मुझे अच्छे से भुना रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटर, मैंने 1 कप मटर ले रखा है, देख रहे हैं एकदम फ्रेश मटर है, और इसे मैं मिला दूंगी। इसको भी मसालों के साथ मैं भूनूंगी, फिर से मैं ढक दूंगी और बीच में चलाते हुए इसे पकाऊंगी जब तक मेरा तेल सेपरेट नहीं हो जाता मसालों से। देखिए कितने अच्छे से मेरा मसाला भून चुका है, 7-8 मिनट तक भुना है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी और आलू जो मैंने फ्राई करके रखा था, देख रहे हैं, इसको इसमें डाल दूंगी। तो देखिए कितना अच्छे से मेरे सब मसालों में मिक्स हो गया सब्जी। मैं कढ़ाई छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसे दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूंगी, आपको बड़ा हो तो सेम में बना सकते हैं। मैं इसे दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो देखिए मैं सब्जी अच्छे से भून चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी पानी ग्रेवी के लिए। तो मैंने 1 कटोरी बड़ी कटोरी से पानी लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने पानी डाल दिया है पतली ग्रेवी। मैं इसमें 1 उबाल आने दूँगी, देखिए लग रहा है ना बिल्कुल शादी पार्टी वाली सब्जी। तो देखिए कितना अच्छे से उबाल आ गया है मेरे सब्जियों में। अब मैं इसे ढक दूंगी, ढक के कुछ देर में पकाऊंगी, ताकि मेरे आलू जो थोड़ा कम पके हुए अच्छे से पक जाए और ग्रेवी अच्छे से भारी हो जाए। तो देखिए मैंने इसे ढक दिया, ढक कर पका रही हूँ, 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी ढक कर। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सब्जी अब तैयार हो चुका है, मैंने 5 से 6 मिनट तक इसे पकाया है लो फ्लेम पर। देखिए मैं दिखा देती हूँ, अच्छे से पक चुका है मेरा आलू। तो मैं धनिया का गार्निश करूँगी धनिया पत्ते के, थोड़ा सा सर्व करते समय मैं डालूँगी। चलिए मैं गैस ऑफ करती हूँ, सर्व करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से मेरा आलू गोभी का सब्जी बनकर तैयार हो गया, लग रहा है ना बिल्कुल शादी पार्टी वाले में जैसे बनते हैं उस तरह से। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, अच्छा बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार इस तरह से आलू गोभी का मटर का सब्जी बनाकर खाना पसंद करेंगे शादी पार्टी वाली। बहुत आसानी से घर पे बन जाते हैं, बच्चे बड़े उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, आप इसे रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है, लगेगा जैसे हलवाई ने बनाया हो उस तरह से घर पर बना सकते हैं फटाफट। आप इसे गाढ़ी ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, पतली ग्रेवी भी रख सकते हैं किसी तरह से भी, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से
आलू गोभी मटर का सब्ज़ी आप जरूर ट्राई कीजिए, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे और घर वाले भी बहुत अच्छे से पसंद करेंगे, इसे बार बार डिमांड करेंगे, मुंह में पानी आ जाएगा इस तरह से और गोभी आलू बनाइएगा मटर। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।